जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हम चढ़ावे चढ़ाते हैं मंदिरों में, वो उसका क्या उपयोग होता है? और ये सही है, मेरी आंखें खुल गई आज। क्यों? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शारिफ खान। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं, मशहूर इंडियन एक्ट्रेस जूही चावला ने मंदिर को लेकर और भगवान को लेकर कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जिससे भक्त जन यानी कि अंधभक्त पूरी तरह से नाराज हैं। इस पर इस्लाम धर्म के जानकार डॉक्टर जाकिर नायक साहब से भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि जूही चावला ने जो मंदिर के और भगवान के बारे में जो जो बातें कही हैं वो सही है या गलत है। पहली वीडियो क्लिप में आप जूही चावला को बोलते हुए देखेंगे, उसी की दूसरी वीडियो क्लिप में आप डॉक्टर जाकिर नायक की राय और इस चीज़ के बारे में जो भगवान के बारे में उन्होंने बोला है उस चीज़ के बारे में डॉक्टर जाकिर नायक साहब क्या कहते हैं हिंदू धर्म की किताबों से और इस्लाम धर्म की किताबों से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हम चढ़ावे चढ़ाते हैं मंदिरों में, वो उसका क्या उपयोग होता है? और ये सही है, मेरी आँखें खुल गई आज, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं जब मंदिर में जाती हूँ और कुछ वहाँ रखती हूँ तो वो कहाँ चला जाता है। चाह का बिजनेस माँ कितना इन्वेस्टमेंट है, स्टोव केतली चाह शक्कर गिलास थर्मस और यहाँ एक तो पत्थर और लाठी का बस। अब देखिए 15 मिनट माँ इन्वेस्टमेंट डबल। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी के मतलब दरगाह वगैरह जो है ना मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को एक कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ पत्थर का बना हुआ भूतों का जैसे पूजा करते थे वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना चादर चढ़ाना हाथ में लाल धागा बांधना गले में लटकाना ये भी शिर्क है। तो मैं बोला मैं फिर जहाँ पर था फिर मैं वहाँ पर ही आया तो कोई फायदा नहीं है। और डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जो मैं इस्लाम में चलूँ तो जैसे आपको मैं बताया ये जो दरगाह वगैरह ये मैं मान के चलूँ कि नहीं चलूँ, मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूँ। जैसे खुदा ने आपको चुना है ना तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा वो पहले बुत परस्ती करता था फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए, कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखरत का एहसास होगा कि आप आखरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है, आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं, यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। मैं अपने होश और आवाज से इस्लाम को कबूल करता हूँ। माशाल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ यस। आपको इस्लाम कबूल करने पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं नहीं नहीं। कोई भी फिजिकल दबाव? कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इस्लाम को ज़बरदस्ती से किसी से कबूल कराना, ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, लाइक राफिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाल्लाह, तो मैं अरबी में कहूँगा उसको आप दोहराइए।
अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वाशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु रसूलुहु मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके और इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको और हिदायत दे और आप अमल में भी इंशाल्लाह पक्के बने, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाल्लाह आपको सफलता मिले। भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहाँ देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में, तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्न खलकनाकुम मिन ज़क़रिन व उन्सा व जअलनाकुम शुउबन व क़बाइल लितअरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि यत्तक़ुकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। ए इंसानो, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करो, और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो परहेजगार है। एक इंसान दूसरे इंसान से पैसे से जिन से उम्र से रंग से ऊंच नीच नहीं हो सकता है, सिर्फ अगर परहेजगार है तो ऊंचा हो सकता है। आपका सवाल कि गरीब और अमीर में ऊंच नीचे, बिल्कुल नहीं। अमीर इंसान गरीब से बेहतर नहीं, गरीब इंसान अमीर से बेहतर नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह कहा कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है, टेस्ट है, वो टेस्ट में और आसानी से सफलता पाएगा। जो अमीर इंसान है, जो ऐशो आराम करता है, उसे देने पड़ेगा ज़कात, उसे देने पड़ेगा दान, जो अक्सर लोग नहीं देते। इसीलिए गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान से, अगर देखे जाए। क्योंकि अमीर और गरीब में गरीब इंसान अक्सर अमीर से ज़्यादा अल्लाह के पैगाम पे अमल करता है, लेकिन कुल्ली तौर पे कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं है, रंग के बुनियाद पे, माल के बुनियाद पे, उम्र के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, सिर्फ एक ही बुनियाद पे ऊंचा हो सकता है, वो है तकवा, वो है परहेजगारी, वो है ईमान। जो आदमी के पास ईमान है और परहेजगार है, वो ही अल्लाह के नज़दीक ऊंचा है। ये माइक नंबर एक से। जय भीम, सलाम अलैकुम जाकिर भाई, मैं बौद्ध धर्म का हूँ और मेरा सवाल ये है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है? भाई साहब, अब सवाल है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना फ़र्क है। ऊपर से देखे जाओ तो बहुत फ़र्क है, लेकिन तहकीक करेंगे तो कई इंसानियत है। बौद्ध धर्म में जो बुद्धा ने, गौतम बुद्धा ने जो चार चीज़ें कही थी, उसने कहा था 4 great truths दैट देर इज सोरो एंड मिजरी इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में सोरो एंड मिजरी है। द कॉज ऑफ दिस सोरो एंड मिजरी इज डिज़ायर, सोरो एंड मिजरी कैन बी रिमूव बाय रिमूविंग डिज़ायर, टू रिमूव डिज़ायर फॉलो द एटफोल्ड पाथ। ये 4 great truths से कि दुनिया के अंदर मिजरी है, इस मिजरी की वजह है डिज़ायर, इच्छा। अगर इच्छा को निकालेंगे तो मिजरी निकल जाएंगे। इच्छा को निकालने के लिए एटफोल्ड पाथ फॉलो करो, लेकिन जब आप इच्छा निकालेंगे, पहला नुक्ता बिल्कुल सही, दूसरा नुक्ता बिल्कुल सही, तीसरा नुक्ता, इच्छा को निकालने के लिए इच्छा निकालो और मिजरी निकल जाएंगी। जब आप इच्छा को निकालेंगे, चौथा हक है कि आप एटफोल्ड पाथ फॉलो करो। इच्छा निकल गए तो फॉलो कैसा करेंगे? सो लॉजिकली द ट्रूथ इज स्ट्रिपिंग इटसेल्फ। लेकिन ये दो 8 हक है, कई सही है, लेकिन बुद्धा ने ये भी कहा था, बुद्धा ने ये भी कहा था, आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ बुद्धा बाय कैरस पेज नंबर 217-218, उसमें कहा है कि मैं एक अकेला बुद्धा नहीं हूँ, मेरे बाद भी और बुद्धा आएंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे।
जैसा मेरे पास सैकड़ों मानने वाले हैं, इस बुद्धा के पास हजारों मानने वाले होंगे। जब उसके शागिर्द ने पूछा ये बुद्धा कौन है, तो उसने कहा ये बुद्धा है मैत्री। मैत्री का तर्जुमा करेंगे मर्सीफुल, रहमत। और हम जानते हैं कि कुरान में कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में वमा अरसलना का इल्ला रहमतिल आलमीन, कि वो सारे आलम के लिए रहमत थे, सारे इंसानियत के लिए। तो इससे ये साबित होता है कि इस धम्मापट के अंदर और बुद्धिस्ट किताबों में भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और आप अगर मेरी कसेट देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मजाहिब में, उसमें एक सेक्शन है बुद्ध धर्म का, उसमें से ये मैंने दिखाया हूँ कि बुद्ध धर्म में भी कहा गया है, बुद्धा ने कहा है कि एक आने वाला है पैगंबर, जो आखिरी पैगंबर रहेगा वो आपको सही रास्ते दिखाएगा, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जानने के लिए मेरी कसेट देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मजाहिब में। वाखर दावान अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। और आपको मैं बताता चलूँ, तालिबे इल्म हो, अगर कोई इंसान इल्म सीखे तो डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब के जैसा। जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, किसी भी धर्म की किताब हो, बाइबिल हो, वेद हो, सबको उन्होंने इस तरह से हिफ्ज कर लिया है, याद कर लिया है कि दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके सामने टिक पाए या उनके सामने बातें कर पाए। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।